अपराधियों ने एक मिनट से भी कम वक्त में व्यापारी को पीटा, धमकाया और लूट की इस वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में जो कुछ दिख रहा है वो बेहद खौफनाक है। ये तस्वीरें हर किसी को देखनी चाहिए और पुलिस भी इन तस्वीरों को गौर से देखे। वक्त रात के 10:04, जगह भोपाल का अयोध्या नगर इलाका। इस स्कूटी पर जो शख्स है उसका नाम हेमंत है और वो ज्वेलरी शॉप के मालिक है, और दूसरी बाइक पर जो लोग पीछा कर रहे हैं वो लुटेरे हैं। अब आगे की तस्वीर ध्यान से देखिए। लुटेरों ने पहले तो रॉड से हमला किया, फिर बाइक से उतर गए। इस गुंडे ने जमीन पर गिरा बैग उठाया और वापस बाइक पर बैठ गया। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है हेमंत अकेले हैं और लुटेरों की तादाद 3 है। बैग हाथ से जाता देख व्यापारी का धैर्य जवाब दे गया और वो बदमाशों से भिड़ गया। थोड़ी देर तक हाथापाई होती है, लेकिन इस बीच ये बदमाश भागने की तैयारी शुरू कर देता है। हेमंत इतनी आसानी से बैग छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन बदमाश भी गम शाते नहीं। एक बदमाश फिर से हेमंत पर रॉड से हमला कर देता है। हेमंत खुद को बचाने के लिए दूर जाते हैं और इतने में ही तीनों लुटेरे फरार हो जाते हैं। यानी महज 40 सेकंड में ही लुटेरे अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। हेमंत को लगता है कि उनकी जान बच गई, लिहाजा वो अपनी घर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि बैग स्कूटी पर नहीं है तो वापस उसी जगह आते हैं। थोड़ी ही देर बाद लोगों की भीड़ लग जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। बताया जा रहा है कि बदमाश बैग में रखी दुकान की चाबियां, कई बिल बुक और जरूरी कागजात लेकर फरार हो गए। हेमंत का दावा है कि जिस तरह से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और जितने कम वक्त में फरार हुए वो सोची समझी रणनीति है। आरोपी कौन है ये अब तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर सामने आया है कि लूट की इस वारदात को अंजाम देने के लिए कई दिनों से रेकी की जा रही थी। अब पुलिस मारपीट और लूट करने वाले इन 3 लुटेरों की तलाश कर रही है।